महाराष्ट्र में सियासी लट्टू घूम रहा है तो संसद में इसको लेकर हो हंगामा मचा हुआ है। संसद में केंद्र सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिस वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। एक तरफ बाहर हंगामा जोर पकड़ता दिखा तो वहीं अंदर महाभारत छिड़ता हुआ नजर आया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर बहस जारी रहेगी। डेफिनेटली बोथ द हाउसेस वी विल रेज दिस इशू, महाराष्ट्र इश्यूज। एक्चुअली इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हैज हैपेंड इन द कंट्री। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू हैज बीन बाईपास्ड। एंड रिगार्डिंग दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, आई थिंक दैट डेफिनेटली रिलीफ विल कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज एवरीबडी नाउ दैट देयर इज नो नंबर विद बीजेपी। एंटायर दिस ड्रामा इज देयर विदाउट एनी नंबर। इसी सत्र में पहली बार सदन में पहुंचे राहुल गांधी ने सवाल पूछने से इनकार कर दिया। कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसे में सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। ऐसा नहीं कि ये हंगामा और वाक युद्ध सिर्फ सदन के भीतर दिखाई दिया, बल्कि बाहर की भी तस्वीर कुछ ऐसी थी मानो महाराष्ट्र ने देश भर की राजनीति में आग लगा रखी हो। संसद के बाहर कांग्रेस नेताओं ने खूब हंगामा किया और बैनर पोस्टर के जरिए महाराष्ट्र पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज चेहरे भी दिखे। जाहिर है महाराष्ट्र का मामला बड़ा है और हालिया दिनों में हद से ज्यादा बढ़ा भी है, लेकिन संसद के अंदर और बाहर विपक्ष के इस तेवर ने आने वाले दिनों में उलगुलान को हवा दी है। अब देखना ये है कि जो सियासी गणित महाराष्ट्र में मोहरे की तरह बिछाया गया है उसमें जीत किसकी होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप बनना चाहते हैं डिजिटल मीडिया के धुरंधर तो हिस्सा बनिए देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार का। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता, कंटेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट की बारीकियां। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें